तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए बेफालतू का टाइम ना बर्बाद करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप पेंटेन उठा लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि पेंटेन है, पेंटेन मींस C5H12, आप इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बना सकते हो? तो यही पूछ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक नॉर्मल सी चेन बनानी है, आपको एक नॉर्मल चेन बना लेनी है जो कि एक पहला आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। आप हर जगह पे हाइड्रोजन लगा सकते हो, हर जगह पे, यहाँ पे लगा दिया मैंने 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। आप देख सकते हो कि इसका केमिकल फॉर्मूला वही है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है। दूसरा इसे हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन लगा दिए और हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये भी तो इसी का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि ये एक सीधी चेन थी, और यहां पे मैंने CH3 एक और लगा दिया, मींस ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ही है। तो इसके पूरे 3 के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है जो कि कुछ इस तरीके से दिए हैं। एक तो आपके पास लीनियर चेन है, दूसरा आप एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग कार्बन के एटम को ऐड कर दो और वो चारों कार्बन के एटम 3-3 हाइड्रोजन के साथ बैठे पड़े हैं, तो ये आपका एक दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तीसरा ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 कार्बन है और पूरे 12 हाइड्रोजन हैं, जो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है पेंटेन का। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला टॉपिक जो है साइक्लोपेंटेन का, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लोपेंटेन मींस क्या है, कार्बन होंगे 5, पेंट मींस 5 है और वो साइक्लिक लगे होंगे। देखो आपको नाम से पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। साइक्लो मींस वो साइक्लिक कंपाउंड है और पेंट मींस 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक साइक्लिक बन जाएगा अगर मैं सारे को लगा दूं। और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, एन मींस सिंगल बॉन्डेड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया सिंगल, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब आप देख सकते हो कि इसकी 2 वैलेंसीज बच रही है, इसकी 2 वैलेंसीज बच रही है, तो इसके 2 हाइड्रोजन लगा दो इसके पास। उसी तरीके से हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और वो बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अगला बोलता है आपको इथेनोइक एसिड का इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। ये तो हो गया साइक्लोपेंटेन। अगला आता है इथेनोइक एसिड, जो है इथेनोइक एसिड। अब देखिए इथेनोइक एसिड क्या कहता है कि इथेन का मतलब क्या है, इथेन एथ, कार्बन होंगे 2, 1, 2 लगे होंगे सिंगल बॉन्ड में, भाई इथेनोइक लगा है, और डबल एक के ऊपर लगा होगा डबल बॉन्ड ओ और लगा होगा सिंगल बॉन्ड ओ एच। देखो इसकी तो वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई है, 1, 2, 3, 4, इसके बच गए 3, तो इसने लगा दिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। देखो ये हो गया इथेनोइक एसिड, इसमें कार्बन 2 है और एक के पास डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जो कि ब्रोमोपेंटेन। अब देखो ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन क्या बोलता है, भाई ब्रोमो लगा हुआ है और पेंटेन है, मीन्स वह एक सीधी लाइन बनी होगी। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सीधा सीधा, कार्बन होंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 और एक कार्बन पे लगा होगा ब्रोमो, ब्रोमीन, या तो इस वाले पे या फिर इस वाले पे। आपको यहाँ पे नंबर नहीं बताया है कि ब्रोमीन लगा कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे 1 लगाना होगा। ये भी तो कार्बन नंबर 1 है, और जैसे मैं काउंट करूंगा तो ये भी कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 पे लगा है ब्रोमीन, ब्रोमो यानी कि Br, और जितनी भी इनकी वैलेंसी बच रही है हर जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 2 और यहाँ पे 3। ये आपका ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया, ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर ब्रोमोपेंटेन का। अब अगला है आपके पास ब्यूटेनोन।
अब ब्यूटेन नाउन क्या कहता है देख लो। अब ब्यूटेन नाउन देखो भाई, ब्यूटेन नाउन का मतलब क्या है? ब्यूट, ब्यूट मीन्स चार कार्बन, एक दो तीन चार, और चार कार्बन है और लगा है ओन। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? ओन, यानी कि डबल बॉन्ड ओ। भाई यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ लगेगा नहीं, वो लगेगा सेकंड नंबर पे, मीन्स वो स्टार्टिंग में, चेन के स्टार्टिंग में कभी भी कीटोन नहीं बनता, चेन के स्टार्टिंग में कभी भी कीटोन नहीं बनता, इस बात को याद रख लेना। ना तो यहाँ पे कीटोन बना सकते हो और ना ही यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा दो या फिर यहाँ लगा दो। लगा दिया मैंने यहाँ पे, बन गया ये कीटोन। अब इस कार्बन को जरूरत है तीन हाइड्रोजन की, इसको तो वैसे वैसे ही कंप्लीट है, इसको दो की और इसको तीन हाइड्रोजन की जरूरत है। ये है बन गया ब्यूटेनॉन। अगला क्वेश्चन है हेक्सेनल, अगला है हेक्सेनल। हेक्सेनल देखो, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, हेक्स मीन्स छह कार्बन, एक दो तीन चार पांच और एक छह। अब हेक्सेनल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच लगा होता है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच लगा होता है, जो कि कार्बन के हमेशा स्टार्टिंग में लगा होता है। अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन के स्टार्टिंग या फिर एंड में लगा होता है, उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एच एंड डबल बॉन्ड ओ लगा होता है। जैसे कीटोन में होता है कि डबल बॉन्ड ओ लग जाता है मगर वो कार्बन के चेन के बीच में लगता है, उसी तरीके से अल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के स्टार्टिंग में या फिर एंड में ही अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, इसमें डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच लगा होता है, और बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इसको H2 की जरूरत है और इसको H3 की जरूरत है। आपका ये बन गया हेक्सेनल। तो ये है कुछ क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है। एक बोलता है कि इसका नाम बताओ, ये बोल रहा है CH3CH2Br, CH3CH2Br। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रोमो मेथ एथ, ब्रोमो इथेन, इसका नाम बन गया ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपने नोमेनक्लेचर कर लिया तो आपके ये क्वेश्चन, आपके सामने ये क्वेश्चन चुटकियों के बराबर है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कार्बनिक कंपाउंड का कंबशन। अब देखिए कंबशन क्या है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, बर्निंग। अब कंबशन मीन्स क्या है, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो ये पहला तो कंपाउंड बनाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसके साथ क्या रिलीज करता है, हीट, भाई गर्मी रिलीज करता है, एंड इसके साथ लाइट भी रिलीज करता है। अब जैसे देख लो ये कार्बन क्या है, कोयला, कोयले को आप जला दो, लकड़ी को जला दो, इसमें भर भर के कार्बन भरा होता है, जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा वो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं जो निकलता है, निकलेगी हीट यानी कि गर्मी, गर्मी से हाथ सेकते हैं लोग सर्दियों में, आती है लीट हीट, लकड़ी को जला दो भाई, रोशनी निकलती है कि नहीं? देखो कार्बन को जलाने के बाद ये केमिकल रिएक्शन बनती है, ऐसे दूसरे कार्बनिक कंपाउंड को जला दो, जैसे C2H5OH, दारू, जला दो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जलने के बाद क्या बनाएगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, बेमतलब में लिख दो CO2। अब यहां देखना ध्यान से, यहां पे एक हाइड्रोजन नाम का भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं H2O। अब एक और रिएक्शन कर लेते हैं, उसमें क्या है CH4, जानते होगे इसका नाम क्या है, मिथेन, भाई सिंगल कार्बन है तो इसका नाम बनेगा मिथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के साथ बना देगा CO2, हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन के साथ बना देगा H2O, और कार्बनिक कंपाउंड जब भी जलता है क्या बनाएगा, हीट एंड लाइट, एंड लाइट। ये है कुछ कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग या फिर कंबशन, दिस इज कॉल्ड कंबशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ये बहुत ही इजी है। अब कुछ इसके एग्जांपल्स भी देख लो, आपको पता है कि आपके घर में जो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है ये जलता है, आपको पता है उसमें से कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की, रेड कलर की नहीं निकलती, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, और जब भी ब्लू कलर कहीं पे भी देख लो, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड अगर ब्लू फ्लेम के साथ अगर जलता है तो वो
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग सिंगल हो। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब भी जलता है वो हमेशा ब्लू कलर की फ्लेम देता है अगर उसको सफिशियंट ऑक्सीजन मिल जाए। अब देखिए जो कंबशन होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो जो होता है हमारे लिए पॉल्यूशन नहीं करता, ये बहुत कम पॉल्यूशन करता है। इसकी जो फ्लेम होती है ये ब्लू कलर की फ्लेम होती है। आपने देखा होगा एलपीजी जब जलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जब घर में जब जलता है तो ये ब्लू कलर की फ्लेम देता है और इससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन अगर आपको चेक करना है तो आपके पास एक तरीका है, बर्तन को रख दो और लगा दो नीचे आग, जला दो एलपीजी को। बर्तन काला होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन नहीं करता। अभी बताऊंगा पॉल्यूशन कैसे होता है और वो कैसे पता चलता है ये पॉल्यूशन कर रहा है या नहीं। मीन्स जो ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है ये क्लीन होती है, इसको बोलते हैं क्लीन फ्लेम, और ये ब्लू कलर की फ्लेम होती है। दूसरा बता ही दिया कि ये लेस पॉल्यूशन होता है इससे। तीसरा आता है डज नॉट रिलीज ब्लैक स्मोक, ये काले कलर का धुआं नहीं छोड़ता। जो पेट्रोल जब जलता है ना, अगर आप प्योर अगर पेट्रोल को जलाओगे तो उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक नहीं निकलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एलपीजी मैंने आपको बताया, ये जब भी जलती है तो इसमें कोई काला धुआं नहीं निकलता। पॉल्यूशन ये बहुत कम करता है। अब पॉल्यूशन ये एक्चुअली में करता नहीं है लेकिन फिर भी इससे पॉल्यूशन होता है, वो होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से। देखो हजारों सालों लाखों सालों पहले जो डायनासोर जब मरे थे तो उनकी बॉडी में सल्फर था, नाइट्रोजन था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, तो उन्हीं से तो पेट्रोलियम बना है और पेट्रोलियम से पेट्रोल, एलपीजी, डीजल वगैरह वगैरह बना। उनकी बॉडी में जो सल्फर और नाइट्रोजन था वो भाई पेट्रोलियम में आ गया, पेट्रोलियम से आ गया पेट्रोल में। मीन्स पेट्रोल के अंदर भी सल्फर और नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है। अब जब पेट्रोल जलेगा तो सल्फर भी तो जलेगा। अब जब सल्फर जब जलता है, सल्फर जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन जब जलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अरे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो इन्हीं के नाम पे आता है। पेट्रोल कितना पॉल्यूशन कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पेट्रोल क्या बनाता है मोस्टली? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है। लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन? उसके अंदर जो सल्फर है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, वो ज्यादा खतरनाक है। बेफालतू में पेट्रोल बदनाम हो रहा है। पॉल्यूशन किसने फैलाया? सल्फर और नाइट्रोजन ने। एक्चुअल में पेट्रोल कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता। अगला आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो इसकी फ्लेम रेड कलर की होती है। मोमबत्ती देखा है, मोमबत्ती को जलाओ नीले कलर की रोशनी निकलती है? नहीं, लाल कलर की या फिर रेडिश कलर की, येलो कलर की लाइट निकलती है, वो रेडिश फ्लेम होती है उसकी। और क्या है, इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, कॉजेज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। मोमबत्ती के ऊपर कुछ देर के लिए अपना हाथ लगा दो या फिर कोई कागज रख दो उसके ऊपर ताकि वो जले ना, कुछ देर बाद वो जो है काला पड़ जाएगा, वो काले कलर का पड़ जाएगा, जहां पे वो धुआं उसका पड़ेगा वो काला हो जाता है। मीन्स वो क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है उससे। तीसरा देखो, रिलीज ब्लैक स्मोक, ये काले कलर का धुआं छोड़ता है। बता दिए मैंने पहले कि भाई जो मोमबत्ती जब जलती है तो उससे काले कलर का धुआं निकलता है, ये होता है वैक्स के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में बर्निंग होती है या फिर उनका कंबशन होता है। और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर सफिशियंट ऑक्सीजन ना मिले, अगर उनको कम ऑक्सीजन मिले, तो ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, ये भी जान ले लेंगे तुम्हारी। ये जब जलता है ऑक्सीजन की कमी में, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी में जब जलता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की कमी में जब जलता है तो क्या बना लेता है? लैक्टिक एसिड। उसी तरीके से जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की कमी में बर्न होता है, उसका कंबशन ऑक्सीजन की कमी में होता है, तो उससे बनता है, उससे काला धुआं रिलीज होने लग जाता है। मींस कार्बन कंपाउंड सही से जल नहीं पाते, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो सही से जलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सही से जलेगा नहीं, और सही से जलेगा नहीं तो काले कलर का धुआं छोड़ेगा। पेट्रोल जब जलता है गाड़ियों में, बाइक्स में, तो उसमें उसके लिए अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ती है उसके। कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लो, मतलब जो पेट्रोल डीजल से जो भी गाड़ी चलती है उसके लिए एक वो लगा होता है ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए, हवा को सप्लाई करने के लिए एक सिस्टम पहले से लगाया जाता है, ताकि जब पिस्टन, जब उसके अंदर इंजन के अंदर जब पेट्रोल जलेगा तो उसको सफिशियंट ऑक्सीजन मिले। नहीं मिलेगा तो पहला देखो उसके कुछ नुकसान होंगे, अगर उसे ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो कुछ नुकसान होंगे। एक तो होगा कि तुम्हारी गाड़ी काले कलर का धुआं छोड़ेगी, दूसरा पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाएगा,
तुम्हारी गाड़ियां जब सही से नहीं चला पाएंगी तो पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा, और तीसरा तुम्हारी गाड़ी सही से माइलेज नहीं दे पाएगी। तुम्हारी गाड़ी अगर 50 किलोमीटर चलने के लिए बनी है तो उसकी देखो 45 ही चलेगी, नुकसान होगा कि नहीं? ज्यादा पेट्रोल डालोगे गाड़ी कम चलेगी, क्या पाट लोगे? तो तुम्हारी जो है गाड़ी का जो माइलेज है ये कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो तुम्हारा पेट्रोल है वो धुएं के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है भाई। 1 लीटर का पेट्रोल उसमें से क्या नाम है 200 ग्राम 200 ml जो है ऐसे धुआं बन के निकल जा रहा है, जला ही नहीं सही से, ऑक्सीजन ही नहीं मिला। और जब सही से जला नहीं तो तुम्हारी गाड़ी चल पाएगी? अरे घंटा चल पाएगी, क्या नाम है 45 पे ही रुक जाएगी, पेट्रोल ही खत्म हो गया, धुआं बन के सारा निकल गया। इसीलिए सरकार ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि तुम्हें हर टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराना होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जो कि एल्कोहलिक नेचर का हो, मीन्स उनके अंदर एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे CH3 CH2OH जो कि एल्कोहल है या फिर इथेनॉल है। अब आपको इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, बट ऑक्सीजन आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, आपको इसके लिए एक कैटलिस्ट का यूज करना है। अब पूछोगे कैटलिस्ट क्या, अभी बताता हूँ। देखो अब इसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर दो बेसिक नेचर का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और उसमें थोड़ी सी हीट डाल दो, मतलब थोड़ी सी उसको गर्म कर दो। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH। अब देख रहे हो, अब ये जो था इथेनॉल था, इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका नाम बनेगा इथेनोइक एसिड, इसका नाम बन गया इथेनोइक एसिड। ये इथेनॉल था और अब हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या बना है, इथेनोइक एसिड। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें इस बार कार्बन नंबर 2 नहीं है, कार्बन 2 नहीं है, इस बार 3 या 4 कुछ और भी दे दे, जैसे CH3 CH2 CH2 CO CH2 OH, अब आपको ये दे दिया जाए, सेम यही आपको रिएक्शन करनी है सेम, बट इस बार 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का इथेनॉल बना है, इस बार 1 2 3 3 कार्बन है, मीन्स जो कंपाउंड जो बनेगा उसमें 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसका नाम देख लो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, और ये था ब्यूटेनॉल जो कि एक एल्कोहोलिक है, एक एल्कोहोलिक कंपाउंड है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ब्यूटेनोइक एसिड में जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है। अब देखो बेसिक नेचर का हमने KMnO4 लिया, इसके अलावा हम एसिडिक नेचर का हम ले सकते हैं K2Cr2O7 K2Cr2O7, और इसमें हीट डाल दो, इसको भी थोड़ा सा गर्म कर दो। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी देख लो ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये भी इसको ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑप्शन है, मीन्स आप इसका यूज कर सकते हो या फिर इसका भी यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। अब पूछोगे यार कैटलिस्ट क्या है, इनको ही बोलते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, अब उस रिएक्शन को कराने के लिए एक एनर्जी या फिर एक मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है मेरे सामने और वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, अब वो मेरे पास आया पढ़ने के लिए, वो एक तरह से न्यूट्रल है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता। अब मेरे पास वो आया और उसको कुछ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, उसको पढ़ाया लिखाया और वो गया पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। अब वो एग्जाम दे रहा है तो क्या मैं उसे जाके बता रहा हूं, क्या मैं उसका खुद पेपर लिख के आ रहा हूं? नहीं भाई, मैं टीचर हूं, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, पेपर तुम्हें खुद दे के आना है। उसी तरीके से ये है, ये इन रिएक्शन इन कंपाउंड को या फिर इन रिएक्टेंट को थोड़ा सा कहेगा भाई रिएक्शन कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, रिएक्शन कर लो, रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, ये इनका रिजल्ट आ जाता है। तो ये खुद रिएक्शन में तो नहीं कूदेगा, ये रिएक्शन में नहीं कूदेगा तलवार लेके कि मैं भी लड़ूंगा मैं भी लड़ूंगा, नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, ये उत्प्रेरणा देगा, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, मीन्स जो मोटिवेट करता है, काइंड ऑफ मोटिवेटिव मोटिवेटर। तो ये उसी तरह से मोटिवेट कर देगा, खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, उसी को बोलते हैं कैटेलिस्ट। अब आती है बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे सब्सटेंस
जो किसी भी रिएक्शन वाले सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे सके। जैसे कि अभी हमने रिएक्शन देखा कि K2Cr2O7, इसमें ऑक्सीजन ढेर सारा है, मीन्स ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ये दे सकता है किसी भी अदर सब्सटेंस को, कोई भी, अगर कोई भी सब्सटेंस उठा लो, अगर वो किसी और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे सकता है, उसी को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंसेस विच कैन गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके एग्जाम्पल है C2K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा अगला टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहां पे लगा दिया मैंने आर, यहां पे भी आर। अब आर कहो कि आर क्या है यार, आर कुछ नहीं है, ये एक लॉन्ग सी चेन हो सकती है, ये एक लंबी चेन है। ये लंबी सी चेन है, हमने सिर्फ यहां की बात करी है, एक हमने छोटा सा पोर्शन लिया और उसको हम देख रहे हैं कि कैसे उसमें बॉन्ड टूटेगा। हो सकता है ये और कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े हुए हो, कार्बन और ऐसे जुड़े हुए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली आर, हर जगह मैंने इसीलिए आर लगा दिया। आर का कुछ और मतलब नहीं है, आर है कि लॉन्ग चेन है यहाँ पे। अब क्या किया, इसमें मैंने दे दिया हाइड्रोजन, इस तरीके से नहीं, हाइड्रोजन दिया जा रहा है रिएक्शन के थ्रू। जब हाइड्रोजन दिया तो उसके लिए एक उत्प्रेरक चाहिए होगा। अब उत्प्रेरक क्या होगा, कैटलिस्ट भाई, यहां पे देना पड़ेगा निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट देना पड़ेगा। अब निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा। अब जुड़ने जुड़ते हुए वो क्या क्या करेगा, इसके दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देगा। हाइड्रोजन क्या करता है, इन दोनों में से जो बॉन्ड लगा हुआ है, इन दोनों का जो बॉन्ड लगा हुआ है, इनमें से एक बॉन्ड को तोड़ देगा। देखो कार्बन का और कार्बन कार्बन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड रह गया, इस तरफ आर है और इसको भी आर है, यहाँ पे भी आर और इधर भी आर है, ठीक। बट अब इसका देख सकते हो, इसकी एक वैलेंसी अभी भी बच रही है, मीन्स ये एक और बॉन्ड बना सकता है, खाली पड़ा हुआ है। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन उठ के यहां लग जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन बचेगा वो उठ के यहां लग जाएगा। ये लग गया हाइड्रोजन और दूसरा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे लग गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इनके डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना दिया और खुद एक बॉन्ड पकड़ के बैठ गया। ये हो गया अपना एडिशन रिएक्शन। एडिशन में यही सिंपल है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन दे दो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका यूज कहाँ पे है जी, ये क्या है, ये वनस्पति घी है, जंगल से मतलब पेड़ पौधे से जो घी निकालते हैं, ये वो वाली घी है। अब इसको निकालते हैं, निकालने के बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में या फिर सैचुरेटेड ऑयल में। ये ऑयल है भाई, ये तेल है, तेल, हाँ ये भी तेल है। अब क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड में, जो कि हमारे लिए ये खतरनाक है, ये हमारे लिए खतरनाक है। तो इसीलिए हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को खाना चाहिए, हमें ऐसे तेल खाने चाहिए जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। अब जो हम घरों में जो यूज करते हैं, जैसे कोई तेल हो गया और अगर वो जंतु मीन्स एनिमल फैट है, मीन्स वो फैट कैसा है, एनिमल है, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा क्योंकि वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एनिमल जितने भी ऑयल रिलीज करते हैं, एनिमल से जितना भी हमें फैट मिलता है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हमारी बॉडी के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमें इस वाले तेल को खाना चाहिए जो कि कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। हमें कैसे तेल खाने चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले तेल खाने चाहिए। तो ये है हमारी डेफिनेशन, ये है हमारे एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या कहती है कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स एड इन अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कन्वर्ट इट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है, आपको ये रिएक्शन याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसी का यूज करके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसेचुरेटेड ऑयल को, अनसेचुरेटेड फैट को कन्वर्ट कर देते हैं सेचुरेटेड फैट में, जो कि हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए ऐसा करने से बचो, ऐसा मत करो, ये ज्यादा बेटर है हमारी बॉडी के लिए, ज्यादा हेल्दी ये है। हमारा अगला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, अगर हम किसी कार्बनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसी और एटम के साथ, वो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे देखिए CH4 है मेथेन, आपको इसमें चार हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अब इसमें आप क्लोरीन दे दो, क्लोरीन गैस दे दो और थोड़ी सी सनलाइट दे दो, गर्मी या सूरज की लाइट दे दो, सनलाइट दे दो। सनलाइट देने के बाद क्या करोगे, ये जो क्लोरीन है ना ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, कर दो सी। जब क्लोरीन एक बार यहां पे लग गया, अब हाइड्रोजन एक हट गया भाई, तीन हाइड्रोजन रह गए, हाइड्रोजन तीन चार में से तीन ही बचे और एक क्लोरीन इसमें जुड़ गया CH3Cl। अब क्या हुआ, बचा क्या, इसका एक क्लोरीन बचा है और इसका एक हाइड्रोजन बचा है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहां पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ है, आपको पता है कि कहीं भी कूड़ा घर जो होता है वहां पे सब लोग कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, एक बंदे को देखते हैं तो दूसरा भी उसी को देख के कूड़ा फेंक के चले जाता है। अब वहां पे जो खाना है, गंदा जो खाना है वो वहां पे सड़ता है, अब कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब जो खाना है वो पूरा कार्बन से बना हुआ है और कार्बन जब सड़ता है तो गैस बनाता है, वो गैस होती है मीथेन। मीथेन गैस जो होती है बड़ी बदबूदार होती है, जो बदबू आती है ना वो इसी मीथेन गैस की वजह से ही आती है। तो यार इस बदबू से बचने का बहुत बढ़िया तरीका है, अगर मैं मीथेन जहां पे कूड़ा करकट जहां पे पड़ा हुआ है जो खाना सड़ रहा है वहां पे अगर मैं क्लोरीन गैस छिड़क दूं, वहां पे मैंने अगर क्लोरीन गैस छिड़क दी और जैसे ही उसके ऊपर थोड़ी सी सनलाइट पड़ती है, जैसे उस कूड़े के ऊपर सनलाइट पड़ती है वो रिएक्शन करने लग जाता है, रिएक्शन करने के बाद CH3Cl बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। अब एक बात बताओ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में खाने को पचा लेता है या फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसी खाने के ऊपर पड़ गया तो वो खाना दोबारा और सड़ जाता है, मीन्स वो गल जाता है, वो खाना और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, गल जाता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक का यूज कहाँ पे है, उसको खाने को गलाने में। अब बचा हमारे पास CH3Cl, अगेन उठा लो भाई CH3Cl को, जब तक इसका हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, जब तक इसका हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए इसको छोड़ना नहीं है, दोबारा इसमें देखो क्लोरीन गैस तो मिलती रहेगी ना, इसे मैंने ढेर सारी क्लोरीन गैस डाली है, इसको भी मिली सनलाइट, मिल गई इसे भी सनलाइट, सनलाइट जैसे ही मिला दोबारा एक और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो अब कितने बचे CH2 और Cl, जब हो जाएंगे ये दो हो जाएंगे, कितने क्लोरीन लग जाएंगे, इस बार दो क्लोरीन लग जाएंगे, फिर से एक हाइड्रोजन निकला है, फिर से एक क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करके HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा बन गई, दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गई है। अब जो खाना थोड़ा सा बचा हुआ था दोबारा उसको और गला देगा, जो थोड़ा बहुत जो खाना बचा हुआ था उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने गला दिया, अभी भी दो हाइड्रोजन बचे हैं, मत छोड़ो मत जाने दो, उठा लो दोबारा CH2Cl2, इसको फिर से क्लोरीन दे दो, फिर से दे दो सनलाइट, सनलाइट देते ही दोबारा एक और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, अब कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे एक, क्लोरीन लग जाएंगे तीन और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा बनाएगा, बना लिया फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर और जो खाना बचा है उसको और गलाएगा, मतलब जो बच रहा है उसको भी वहीं छोड़ रहा है, उसको भी गलाते जा रहा है, दोबारा उठा लो, अभी भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, दोबारा उठा लो CHCl3, दोबारा इसको क्लोरीन गैस दे दो, सनलाइट दे दो, दोबारा अब एक क्लोरीन फिर से इसमें ऐड हो गया और एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन था ये भी रिलीज हो गया, क्या बचा CCl4 और दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब जो CCl4 है ये खतरनाक नहीं होता, और खतरनाक क्या होता है HCl जो कि खाने को ही सड़ा देता है, बचा क्या, देखो इस प्रोसेस में चार बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, एक दो तीन चार, और चार बार बन रहा है तो चारों बार खाने को वो गलाता चले जाएगा, गलाता चले जाएगा, तो इससे बचना खाने को पॉसिबल नहीं है, खाना इससे बच ही नहीं पाएगा और वो सड़ जाता है, इसीलिए वहां पे क्लोरीन का छिड़काव करते हैं, वहां पे सोडा वगैरह डाल देते हैं जिसमें एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन होती है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम जिसका हम यूज कर सकते हैं, ऐसा क्लोरीन उसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से मीथेन की बदबू से हम बच सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये बड़े बैठे रहते हैं आराम से, कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, जब तक इनको तुम थोड़ी सी गर्मी नहीं दोगे, जब तक इन्हें तुम कोई कैटलिस्ट नहीं दोगे, जब तक तुम्हें कुछ गर्मी या फिर सनलाइट नहीं दोगे, तब तक ये रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए मेथेन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो सनलाइट देना जरूरी रहता है, सूरज की धूप उस पर पड़नी चाहिए तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। तो ये है डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या कहता है कि व्हेन क्लोरीन रिप्लेसेस, मीन्स क्लोरीन के एटम जब रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अ कार्बनिक कंपाउंड, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में से जब क्लोरीन हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस करता है। अभी आपने देखा ना कि एक एक करके वो क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा था, और रिप्लेस कर रहा है वो एक एक करके, तो वो कैसी रिएक्शन होगी? भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और क्लोरीन उसकी जगह पे बैठ जाता है, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो संवाददाता के न्यूज आज खत्म होते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।